जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो भाई साहब, चल चुका हूँ रॉयल इनफील्ड की तरफ में और राइट साइड पुलिंग इशू देखो, यही इशू तो अपने को ठीक सकते हो। जो किट है वो ये वाला किट है, रॉयल इनफील्ड की तरफ से आया हुआ है। मैं इसको 9000 किलोमीटर लगभग चला चुका हूँ हिमालयन 450 को। तो अपन टेस्ट करेंगे इसका, देखते हैं। नो। सो हेलो गाइज, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जिसका नाम है ARJ बाइक्स, और ये रहा मेरा हिमालयन 450 बूजी। बूजी को आज मैं लेके जा रहा हूँ एक नया प्रॉब्लम का सॉल्व कराने के लिए, जो कि आपको भी पता होगा कि हिमालयन में एक अलग सा प्रॉब्लम आ गया है, राइट साइड पुलिंग इशू। सबको पता होगा क्योंकि आप लोग हिमालयन का वीडियोज़ देख रहे हो तो पता ही होगा। बाकी पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। Oops. ये वाला पता है यार, हिमालयन में थोड़ा सा मेरे को कुछ इश्यूज तो है। जब गाड़ियाँ बहुत टाइम बाद स्टार्ट करोगे ना और एक्सेलरेट करोगे तो एक्सेलरेशन छोड़ने लगता है, ये चीज़ प्रॉब्लम आता है इस बाइक में यार। तो कुछ चीज़ें इश्यूज हैं रॉयल इनफील्ड के हिमालयन 450 में। बाकी राइट साइड पुलिंग इशूज वाला है, उसको भी इसका किट आया हुआ है रॉयल इनफील्ड की तरफ से, तो वो चीज़ इस पर चेंज करवाएंगे तो फिर पता चलता है राइट साइड पुलिंग इशू ठीक होता है या नहीं होता है, क्योंकि कंपनी स्पेशली इसी के लिए वो किट निकाला है। जो कि चलो चलते हैं यहाँ से और पैनल को अपन लगा लेते हैं प्रेशर में। तो प्रेशर देखो 29 PSI एंड 36 PSI है रियर का, तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। चलो जय श्री राम। तो भाई साहब, चल चुका हूँ रॉयल इनफील्ड की तरफ में और राइट साइड पुलिंग इशू देखो, यही इशू तो अपने को ठीक कराना है ब्रो। तो अपन वो किट लगवाते हैं और आपको भी मैं बताता हूँ कि आप लगाओगे तो राइट पुल, अगर आपके पास हिमालयन है तो राइट साइड पुलिंग इशू आपका ठीक होता है या नहीं होता है, इस चीज़ का बहुत ही कंसर्न है इस बाइक को लेके। तो ये चीज़ अपन चलो देखते हैं करके, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो बाइक का हैंडल छोड़ दिया। अरे यार, कभी कभी लगता है कि सही है, कभी कभी लगता है कि भाई उधर भाग रहा है गड्डी। बागे भाई साहब, ये रहा फ्लाईओवर, जो कि रांची का फ्लाईओवर बन रहा है, काफ़ी खूबसूरत लगेगा जब बन जाएगा तो। तो ये लो जी, रॉयल इनफील्ड पहुंच चुका हूं और सर्विस सेंटर में चेंज करवाते हैं अपन वो किट, हैंडल का किट जो है आया हुआ है, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको। तो गाइज़ यहाँ पे देखो, मैं आया हुआ हूँ अपना किट चेंज कराने के लिए, हैंडल का किट, जो कि यहाँ पे जो लगता है हिमालयन जो कंपनी अपने तरफ से रॉयल इनफील्ड ने भेजा है वो वाला चीज़ मैं यहाँ पे सेट करवाऊँगा। इससे मेरे को एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि जो राइट साइड पुलिंग इशू था वो सॉल्व हो जाएगा, तो वो किट अभी मैं इंस्टॉल करवा रहा हूँ। तो जो किट है वो ये वाला किट है, रॉयल इनफील्ड की तरफ से आया हुआ है, ये वाला चीज़ पूरा एक्सचेंज होकर इसमें अब सेट पर लगेगा, तो जो राइट साइड पुलिंग इशू है वो सॉल्व हो जाएगा रॉयल इनफील्ड की तरफ से। ये बहुत ही अच्छा मतलब सजेशन और कंपनी मतलब बोल सकते हो कि कस्टमर के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, कि ये चीज़ सॉल्व किया गया। अब देखता हूँ मैं चला के आपको बता पाऊँगा कि सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। बाकी चलो इसको अभी फिट करवाते हैं और आपको गाड़ी चला के बताएंगे कि कैसा इसका मतलब रिस्पॉन्स है चेंज होने के बाद। तो ये देख सकते हो, अभी हैंडल खुलने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, अभी इसका क्लिप खुलेगा, ये हैंडल पूरा हट जाएगा ना, अभी ये हैंडल हटेगा, उसके बाद इसमें सारा ब्रैकेट जो मैंने आपको दिखाया ये वाला चीज़ पूरा लग जाएगा इसमें, तब फिर जाके पता चलेगा डिफरेंस है या नहीं है। कोई कस्टमर रिव्यू दिया है मुकुल कि ठीक हुआ है राइट साइड पुलिंग वाला? चलो देखते हैं, अब लगने के बाद ही पता चल पाएगा। तो भाई ये देख सकते हो आप चेंजिंग में, ये पुराना वाला जो पहले से लगा हुआ था, ये दोनों में देखो डिफरेंस कितना ज़्यादा है। और पहले वाले में वॉशर नहीं लगा था और अभी कंपनी ने वॉशर ये लगा के यहाँ पे दे रहा है, तो इसके वजह से चेंजिंग हो जाएगा और यहाँ पे ये सब वॉशर भी सारा कुछ चेंज हो जाएगा, है ना? और तो ऐसा कुछ है नहीं, बस यही सब चेंजिंग है ना। इसका बोल्ट भी चेंज होगा दोनों। अच्छा, ये बोल्ट भी चेंज होगा, तब जाके वो प्रॉपर फिटिंग हो जाएगा क्या? तो चलो अब इसको फिट करवाते हैं जल्दी से और फिर चला के। हाँ जी, तो सब कुछ फिट हो चुका है हैंडल का, आपने जैसा देखा होगा वीडियो में। उसके बाद अब अपन टेस्ट करेंगे इसका, देखते हैं
और ये कुछ छपरी लोग आ ही जाता है हमेशा रास्ता में, सड़क में, क्या ही कहने इन लोगों का। तो अभी उसका टेस्टिंग करेंगे भैया कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, राइट साइड पुलिंग इशूज। होप सो ठीक हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है यार, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कम हो जाएगा हिमालयन से कह सकते हैं। बाकी अभी एक और प्रॉब्लम आया है यार, एक दोस्त का बाइक है, उसका जो बाइक है उसमें प्रॉब्लम क्या आया, हिमालयन ही है उसके पास, उसका तो एक महीना ही हुआ है लिए हुए, तो उसका है प्रॉब्लम भाई ये सब बटन कुछ भी मोड वर्ड और ये ट्रिप मीटर वाला बटन वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा भाई। तो ये अलग एक प्रॉब्लम इशू आया है हिमालयन में। तो पता नहीं यार, रॉयल एनफील्ड वाले भैया लोग प्लीज़ देखो यार और कुछ कर दो भैया, इतना अपन नाम लेते हैं रॉयल एनफील्ड का और अगर काम नहीं करेगा तो फिर अपन नाम कैसे लेंगे। तो ये चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कोई रॉयल एनफील्ड के देख रहे हैं ये ब्लॉग तो प्लीज़ थोड़ा सा सॉल्यूशंस इसके निकाले आप। हिमालयन के बहुत ही अच्छी बाइक है, नो डाउट, इंजन परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। और तीसरी चीज़ यार कि इसका टैपेट का जो आवाज़ है वो कम हो नहीं रहा है। तो एक और दोस्त से मेरा बात हुआ है मुंबई में, वो रहता है, तो उस सिद्धार्थ नाम है उसका, तो उससे बात हुआ था तो बता रहा था भाई कि उसने हेड चेंज कर दिया है पूरा बाइक का। तो हेड चेंज किया है तो बोल रहा है कि मेरा टैपेट की आवाज़ बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। तो ये वाला एक देखेंगे अपन, अगर क्लेम करना पड़ेगा लेकिन आपको वारंटी में, तब जाके चेंज होगा हेड पूरा इंजन का ऊपर का चेंज होगा, तब जाके टैपेट का आवाज़ कम होगा। बाकी ये वाला इशू तभी चलो अपन बैठ के भी बातें करते हैं अच्छा से लोकेशन में बाइक के बारे में। था कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के लिए तो बच्चे मिले हैं। क्या नाम है तुम्हारा? निर्भय। तुम्हारा क्लास कौन से क्लास में हो? फाइव। चलो चैनल का नाम पता चल गया ना, सब्सक्राइब कर लेना और देख लेना वीडियो, ठीक है? चलो बाय बाय। तो बच्चे ही सच्चे होते हैं, बच्चे लोग काफी मिलते रहते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल तो अच्छा लगता है। हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग? सो गाइज, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। देखो, मैंने आपके बाइक के बारे में आपको बताया था, राइट साइड पुलिंग इसका इशू है। मैंने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया है, बाकी मैं इसको टेस्ट करके आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी हाईवे में मैं सोचा कि थोड़ा सा अच्छे से लोकेशन में आके आपको वीडियो बनाऊँ और बताऊँ बाइक के बारे में कि बाइक का परफॉर्मेंस कैसा है। अभी मैं इसको 9000 किलोमीटर लगभग चला चुका हिमालयन 450 को, जो कि इसका नाम मैं रखा हूँ बूजी, तो आपको पता ही है। बाकी यार अभी तक मेरे को इसमें कोई इशू ऐसा मेन मेजर इशू तो नहीं आया है। एक इशू है राइट साइड पुलिंग वाला, वो मैं अभी चेंज कराया हूँ। आपको अभी आगे वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। बाकी और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा जो प्रॉब्लम आया था मेरा टायर में, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, टायर का प्रॉब्लम था, तो वो भी सॉल्व करवा लिया है, क्लेम करवाया है। बाकी देखो, वो क्लेम अभी तक सक्सेसफुल हुआ नहीं है। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शानदार लोकेशन है, मार्शली पहाड़ है ये, जैसे देख सकते हो आप इधर जंगलों के बीच में, और आपके जस्ट मतलब मेरे जस्ट सामने में चट्टान है। तो यहाँ पे अगर आप कभी आए नहीं हो तो यहाँ पे बिल्कुल आके एक्सप्लोर कर सकते हो मार्शली पहाड़। और तीसरी चीज़ की बहुत ही लोग मेरे से एक्सेसरीज़ के बारे में पूछे कि कौन सा हैंडल यूज़ कर रहे हो आप। तो हैंडल जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो है आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स का, जो कि उसका प्राइस है 2000 या 3000, यार एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आप सर्च कर लेना आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल में इसका। तो हैंडल बहुत ही कम्फर्टेबल है, और जो स्टॉक वाला आता है ना, स्टॉक वाले से काफ़ी बेहतर है ये पोस्चर के मामले में, मतलब रिलैक्स होकर आप बैठोगे इसमें, और सैडलिंग करने में तो अलग मज़ा है भाई, इस पर बहुत ही शानदार सैडलिंग होती है आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल में। और तीसरा चीज़ जो इसमें एक्सेसरीज मैंने यूज़ किया है वो विंडशील्ड के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि विंडशील्ड कहाँ से लगाए। तो भाई ये जो विंडशील्ड है लॉन्ग वाला, ये आपको रॉयल एनफील्ड में ही मिल जाएगा, रॉयल एनफील्ड के शोरूम में आप जाना आपको मिल जाएगा। इसका प्राइस है 2000 या 1850, ऐसे कुछ है यार, एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं आता, उसके लिए सॉरी रहेगा, नहीं तो आप बोलोगे यार इसको तो कुछ प्राइस ही याद नहीं रहता, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, आप देख लेना आपको पता चल जाएगा, इतना तो यार आप समझदार हो ही, बाकी सब बढ़िया। और ऐसे एक्सेसरीज में आप कौन सा पूछते हो, क्वेश्चन है फॉग लाइट के बारे में आप बहुत पूछे हो मेरे से, फॉग लाइट कौन सा लगाया हो। फॉग लाइट भाई मैंने लगाया है इसमें
मैड डॉग का अल्फा, जो कि बहुत ही शानदार लाइट आता है नाइट में, विजिबिलिटी बहुत ही शानदार है, तो आप इसको लगा सकते हो, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। तो गाइज फाइनली मैं हाईवे में आ चुका हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ राइट साइड पुलिंग कौन सेट, मतलब हैंडल का जो चेंज कराना था वो सब करवाने के बाद ठीक हुआ है कि नहीं, ये चीज़ मैं अभी टेस्ट कर लेता हूँ, फिर पता चलेगा। तो स्पीड अपन बढ़ा लेते हैं, उसके बाद फिर टेस्टिंग ऑन कर देंगे अपन, मतलब हाथ छोड़ दूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये देखो अभी सेंटर पे हूँ और नो भाई साहब, ये देखो किधर जा रही है बाइक, शे मैन नहीं ठीक हुआ यार। एक बार और अपन ट्राई करेंगे, अभी तो एकदम सीधा है, अभी हल्का सा टर्न था तो शायद हो सके एक बार, अभी तो पूरा सीधा है, अभी देख लेते हैं। नो, ये तो सही नहीं हुआ, देख रहे हो किधर जा रही है बाइक। तो भाई रॉयल एनफील्ड वाले, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला यार राइट साइड पुलिंग का, पता नहीं, और भी मैं वीडियोस देखा था उनमें बता रहे थे कि ठीक हो गया, लेकिन मैं तो चेंज करवाया हूँ लेकिन ठीक नहीं हुआ, तो इसका इशू क्या है मेरे को नहीं पता यार। अब जो भी है इसी के साथ अपने को झेलना है और क्या, बाकी तो सब बढ़िया है बाइक में, मज़ा आता है बाइक चलाने में, बस यही मज़ा है और क्या। हिमालयन वो 50 जो कि आप कहीं भी लेके चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बस कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो सब झेलना पड़ेगा अपने को, अब ले लिए हैं तो हिमालयन एक बार और टेस्ट कर लेते हैं लास्ट। ये देखो भैया किधर ले चली, नो। तो भाई ये प्रॉब्लम रहेगा मतलब मैं समझ गया, बट कोई नहीं, चलो बाकी सब बढ़िया है। तो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, मैं पहुंच गया हूं रांची सिटी और काफ़ी मज़ा आया घूम के और बाइक चला के और आपको बाइक के बारे में बता के। तो काफ़ी कुछ चीज़ें थी मैंने आपको शेयर किया, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर करना वीडियो, कमेंट तो ज़रूर करना अगर कोई भी कंफ्यूजन या क्या आपको लगता है कि हिमालयन में और प्रॉब्लम है जो मेरे को नहीं पता तो आप बता देना मेरे को, बाकी तो सब बढ़िया था, बाकी कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ लेना मेरे से। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, टाटा।